हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से द क्रिएटिव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि है CHO वर्सेस नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स। आप कह सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर इज़ बेटर नेम, और नर्सिंग ऑफिसर हमें बनाया गया है तो हम नर्सिंग ऑफिसर ही प्रेफर करेंगे हर जगह, स्टाफ नर्स की जगह दिस इज़ बेटर। एंड दोस्तों, तो इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करूंगा दोस्तों मैं कि क्या CHO बेहतर है, क्या नर्सिंग ऑफिसर बेहतर है, क्या दोनों की क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, दोनों हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, आखिरी तक देखिएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, ठीक है। और हम इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं कि क्या CHO का क्या काम होता है, CHO को क्या क्या चीज़ें हैं, प्लस माइनस दोनों डिस्कस करेंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको CHO बनना है या आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है, ठीक है। मैं आपको लिए एनालिसिस करने का काम करूँगा, एंड जो फाइनल डिसीजन रहेगा वो तो आपका खुद का रहेगा दोस्तों। तो वो तो आपको डिसाइड करना ही है कि आपको CHO बनना ज़्यादा पसंद करेंगे या नर्सिंग ऑफिसर ज़्यादा पसंद करेंगे। सो इट्स इट विल डिपेंड ऑन यू। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जो है मिलते रहे दोस्तों। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं दोस्तों। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू ऑल, सो यू कैन गेट द रेगुलर अपडेट्स एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है। ज्वाइन बटन इज ऑल्सो हियर, सो प्लीज़ ज्वाइन। लेट्स स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे कंपैरिजन है CHO और नर्सिंग ऑफिसर के अंदर। सबसे पहले CHO का मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर का मतलब नर्सिंग ऑफिसर, या बहुत बार स्टाफ नर्स भी इसको रेफर किया जाता है। तो वो आप डिपेंड धीरे धीरे नर्सिंग ऑफिसर हो रहा है सब जगह, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे जितने भी सेंट्रल की जॉब्स है वहाँ पर तो नर्सिंग ऑफिसर हो ही गया है, ठीक है। कुछ स्टेट्स ने, जैसे राजस्थान और बाकी के बहुत सारे स्टेट्स ने भी नर्सिंग ऑफिसर कर दिया, तो धीरे धीरे नर्सिंग ऑफिसर का जो आपको बदनाम है वो मिल जाएगा। और इधर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, ये दोस्तों एक तरह से जो रिवोल्यूशनल, मैं कह सकता हूँ एक वर्ड यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा, रिवोल्यूशनरी स्टेप है। गवर्नमेंट को मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने ये जो हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट क्रिएट की, जिससे कि जो विलेज लेवल है वहाँ पर हेल्थ का जो लेवल है वो बेहतर हो सके, और जो बेस नर्सिंग कैंडिडेट्स हैं उनको आगे ज़्यादा मौका मिल सके, वो अपनी जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो जाकर प्रोवाइड कर सकें, ओके। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, हमें बहुत खुश होना चाहिए कि हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है, करियर ऑप्शन, बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों। जो नर्सिंग ऑफिसर भी अच्छा है, CHO भी अच्छा है, लेकिन CHO जब बना तो बहुत ही अच्छी जो भी एक तरह से है कम्युनिटी में जा करके सर्व करने का, बहुत ही अच्छी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेनली हम कहना चाहिए कि नए, ये नया है, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है CHO। वैसे तो पिछले 2-4 साल से आप सभी जान ही रहे हैं इसके बारे में, फिर भी नया ही है ऐसे देखा जाए तो। नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स वॉज प्रीवियसली नॉन सिनेरियो, तो यहाँ पे हम नर्सिंग ऑफिसर और एक नर्सिंग ट्यूटर का भी ऑप्शन जो है हम पहले मान के चलते थे कि या तो हमें स्टाफ नर्स बनना पड़ेगा या फिर हमें ट्यूटर का जो है काम करना पड़ेगा, दोनों में से एक ऑप्शन, वो भी ट्यूटर वाला भी बेस नर्सिंग कैंडिडेट्स के पास रहता था। तो अभी देर आर मोर ऑप्शन नाउ इन आर प्रोफेशन, आवर प्रोफेशन इज़ वेरी गुड, ठीक है। हमारे प्रोफेशन की हमेशा आप खुद के प्रोफेशन की रेस्पेक्ट करें दोस्तों, दूसरे भी करेंगे उसके साथ साथ। तो अब यहाँ पर दोस्तों CHO को जो काम करना पड़ता है वो करना पड़ता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ऊपर, और यहाँ पर दोस्तों मोर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब हम प्रोफेशन में डिफाइन करते हैं, ऑटोनॉमी के अंदर मतलब होता है खुद हम क्या काम कर सकते हैं, ठीक है, खुद के डिसीजंस किस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा ऑटोनॉमी रहती है, ठीक है, आपके अंदर में ANM रहती है, आशा वर्कर्स रहती है, तो उनको भी आप सुपरवाइज करना है आपको, और एक तरह से आप खुद से जो है चीज़ें हैं कर सकते हैं। और यहाँ पर वर्क्स इन हॉस्पिटल, जो नर्सिंग ऑफिसर होता है या स्टाफ नर्स होते हैं वो काम करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, इधर इट कुड बी CHC, ठीक है, और इधर इट कुड बी स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि हो सकता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हो या फिर मेडिकल कॉलेज हो या फिर सेंट्रल का कोई, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसका कोई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो या एम्स हो, हर जगह जो है नर्सिंग ऑफिसर के रूप में हमें काम करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हॉस्पिटल में हमें काम करना पड़ता है और ऑटोनॉमी जो है हमारी कम होती है, और यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हमें काम करना होता है, और आप वहाँ के हेड होते हैं, यू आर द हेड ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, सो यू हैव मोर ऑटोनॉमी ऑल्सो। और मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, देर इज अ सेइंग दैट मोर ऑटोनॉमी कम्स विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जब आपको बड़ा पद मिलता है तो आपके पास जो जिम्मेदारी होती है वो भी आपकी बढ़ जाती है। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो जिम्मेदारी है दोस्तों, जी हाँ, जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जिम्मेदारी ज़्यादा है जितने भी हमारे राजस्थान में बने हैं, जहाँ पे भी आप हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जो राजस्थान CHOs बने हैं वो आप ध्यान रखिए कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह आपको करना है और
बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सब, आप हेड है, कहेंगे आप हेड है तो आपके ऊपर ऑब्वियसली ज़्यादा जो जिम्मेदारी वो रहती है, यहाँ पर लेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ठीक है, सिंपल सी बात है, कम जिम्मेदारी रहेगी क्योंकि आप बहुत बड़े सेटअप में काम करते हैं, तो इतना आपके ऊपर कोई एकदम से वो नहीं होता है, यहाँ पर आप खुद रिस्पॉन्सिबल है अपनी चीज़ों के लिए। उसके बाद चैलेंजिंग एंड लीडरशिप, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा चैलेंजिंग है, जो जिनको जो है खतरों के खिलाड़ी जो लोग हैं, ठीक है, जिनको नए नए वो करना पसंद है, वो ज़रूर CHO बने, ठीक है, और यहाँ पे चैलेंजिंग भी है और लीडरशिप करने का, आपको लीडरशिप बनने का मौका मिलता है, आप ANM आशा और बहुत सारे लोगों को आप लीड कर सकते हैं, गांव में जो है हेल्थ केयर सर्विसेज को आप बेहतर कर सकते हैं, बेहतर करने का मौका आपको मिलता है, कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर टीम वर्क है, टीम वर्क का मतलब होता है बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर चलना, मिलकर करना, यानी आप किसी वार्ड में या कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो आप बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे स्टाफ होते हैं आपके साथ, तो उनके साथ आपको किस तरह से टीम वर्क करके ड्यूटी करनी है, टीम वर्क तो यहाँ पे भी होगा लेकिन मेनली यहाँ पर लीडरशिप ज़्यादा वो है, और यहाँ पे भी हमें लीडरशिप मिलती है, लेकिन कब मिलती है, जब जब हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, फिर आप ANS बनते हैं, इंचार्ज बनते हैं, DNS बनते हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनते हैं, फिर चीफ नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं, वो बात की बात है एक्सपीरियंस के हिसाब से, और कुछ एग्जाम्स कहीं कहीं एग्जाम के आधार पर भी होता है, जैसे कि एम्स में जो है SNO बनने के लिए आपको एग्जाम देना होता है, ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए। उसके बाद वर्कलोड फॉर रिम्यूनरेशन एंड सुपरविजन एंड मीटिंग, ठीक है, यहाँ पे आपको रिम्यूनरेशन का वर्कलोड होता है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जितने भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट विलेज लेवल पर, ये आप क्यों मतलब बनाए हैं CHO, आप समझिए इस बात को, कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो गाँव में इंप्लीमेंट करना चाहती है उसके लिए CHO की पोस्ट बनाई है, तो यहाँ पे जो भी इम्यूनाइजेशन है या जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, जो भी मीटिंग्स वगैरह करनी है वो सभी आपको करना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका वर्कलोड जो है थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, यहाँ पे वर्कलोड जो है आपका पेशेंट साइड ज़्यादा है, ठीक है, पेशेंट केयर के रूप में आपका ज़्यादा वर्कलोड है, यहाँ पे दूसरे वर्कलोड भी ज़्यादा है, जैसे कि चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है, फाइल वर्क ज़्यादा होगा यहाँ पे, मीटिंग्स वगैरह करना, लोगों को एक तरह से सुपरवाइज करना, वो चीज़ें रहेगी, यहाँ पर पेशेंट केयर आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी जब आप नर्सिंग ऑफिसर हैं, चाहे आप प्राइवेट में चाहे आप गवर्नमेंट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू मोर वर्क टूवर्ड्स पेशेंट केयर, ठीक है, चाहे आप वार्ड में काम करें, चाहे आप ऑपरेशन थिएटर में काम करें, चाहे आप ICU में करें, चाहे आप इमरजेंसी में करें, वेर एवर यू वर्क यू हैव टू केयर फॉर द पेशेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज, ओके, और यहाँ पर जो वर्कलोड है वो कंपेरेटिवली लेस वर्कलोड है, ठीक है, आपको टीम वर्क में काम करना है तो थोड़ा सा वर्कलोड जो है वो ज़्यादा हो जाता है। एक नेगेटिव आस्पेक्ट यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर का ये बनता है कि हैक्टिक नाइट शिफ्ट आपकी होती है, 12-12 घंटे आपको जाग के जो है बिताने पड़ते हैं, कभी कभी तो खड़े खड़े भी बिताने पड़ते हैं, स्पेशली जब प्राइवेट की हम बात करते हैं तो प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर तो है नाइट ड्यूटी बहुत ज़्यादा ख़राब जाती है, गवर्नमेंट में भी आपको नाइट ड्यूटी ख़राब ही जाती है, लेकिन थोड़ा सा कंपेरेटिवली जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में और ज़्यादा हालत जो है नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्सेज की ख़राब है, और यहाँ पर कोई नाइट ड्यूटी नहीं है, अच्छी बात है, 9 to 4 आपको ड्यूटी करनी है, ठीक है, आप ऑफिसर हैं, ऑफिसर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे आप ज़्यादा बड़े ऑफिसर ऐसा कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सैलरी की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बन के आता है, ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि इतना लेट डिस्कस कर रहा हूँ मैं, लेकिन सैलरी भी हमें डिस्कस करनी चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों 40,000 आपकी सैलरी बन जाती है, पहले आपको जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वो CCH का कोर्स रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, यहाँ पर CCH ये 6 मंथ की ट्रेनिंग मैंने अगला लिख रखा है, तो CCH का कोर्स आपके पास होना चाहिए तब आप CHO बनने के काबिल होते हैं, ठीक है, एग्जाम देने के बाद आपको CCH का कोर्स करना पड़ेगा, अब जो है BS नर्सिंग के साथ ही उसको जो है BS नर्सिंग के साथ ही जोड़ा जाने वाला है, जोड़ा जा चुका है लगभग लगभग आप समझ लीजिए, तो आपको बाद में अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप एग्जाम देंगे और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन जाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों सैलरी जो रहने वाली है वो 40,000 रहने वाली है, ठीक है, रहती है, और जो परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर है उनकी सैलरी 60,000 से अबव होती है दोस्तों, धीरे धीरे जो है 1 लाख तक भी जा सकती है, 1 लाख 1.5 लाख, ठीक है, जब आप ANS वगैरह बन जाते हैं तो 1.5-2 लाख भी आपकी सैलरी हो जाती है, ठीक है, अभी से आपको बोल रहा हूँ हो जाती है, सही बात है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और प्राइवेट में दोस्तों थोड़ी सी कम सैलरी होती है, 10 से 20 हज़ार, ठीक है, लेकिन अगर जो भी प्राइवेट में काम कर रहे हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट में हो जाए एटलीस्ट, या फिर वो CHO बन जाए, कहीं पर भी आपको कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, तो यहाँ मेजरली हम परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर्स को रेफर करेंगे, तो परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की 60,000 सैलरी होती है, प्राइवेट में आपको डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो थोड़ी कम सैलरी होगी, छोटी जगह काम करेंगे थोड़ी कम सैलरी होगी, बड़ी जगह है, बड़ी बड़ी सिटीज़ में या जो NABH द्वारा प्रमाणित हॉस्पिटल्स हैं उनमें, या एक्सपीरियंस के आधार पर जो है दोस्तों आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज़ होती रहेगी धीरे धीरे, तो यहाँ पे भी प्राइवेट में भी ज़्यादा सैलरी मिलती है, डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है दोस्तों, या आपको काम किस तरह का करना पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पर 6 महीने की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट
नहीं है, क्योंकि आपने नर्सिंग की ट्रेनिंग की है, तो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर नेगेटिव मुझे सीएचओ का लगता है वो है, यहाँ से 2-3 लाख का या 5 लाख का, राजस्थान में तो 5 लाख का ही है भाई साहब। तो यहाँ पे ये बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। आप अगर आप गवर्नमेंट में भी है, प्राइवेट गवर्नमेंट परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर भी है, तो आप कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद ये कॉन्ट्रेक्चुअल है अभी के लिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं सीएचओ परमानेंट होंगे या नहीं, उसका आंसर है हाँ परमानेंट हो जाएंगे, उससे 5 से 6 साल लग सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का नॉर्म्स तो 5 से 6 साल का है। यहाँ पे प्राइवेट के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल है, मतलब एक तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब प्राइवेट तो प्राइवेट ही है और गवर्नमेंट के अंदर परमानेंट है, तो ये एक अच्छी बात है ऐसा देखा जाए तो। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका वर्क एरिया रहता है, आपको मोस्टली जो है दोस्तों विलेज एरिया में वर्क करना पड़ता है। हो सकता है आपको घर के पास में भी जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पे आपको सिटी एरिया में काम काम करना रहेगा, घर से दूर रहना पड़ता है, ठीक है। तो इस सैलरी को अगर हम देखें तो दोस्तों, अगर जो है यहाँ पर अगर हमारे घर के पास में अगर जॉब है और 40,000 में हमें मिलते हैं तो बहुत अच्छी है, वेरी गुड, लाइफ टाइम हम कर सकते हैं। और आप घर से दूर हैं, 60,000 में मिलते हैं तो खर्चे हो जाते हैं बहुत सारे, और फिर आप घर वगैरह रहते हैं या फिर कुछ भी आगे सोचते हैं, या तो घर के पास है, यहाँ पे घर आपको खुद बनाना पड़ेगा, तो उसके पैसे और खर्च वगैरह तो बात वहाँ पर लगभग बराबर ही पड़ती है। कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आप देख लीजिएगा आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। घर के पास रहना वैसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है बजाय घर से दूर रहने के, ठीक है। स्पेशली फॉर एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस है वो आप सी एच ओ ट्राई करें, और जो नए कैंडिडेट्स हैं वो गवर्नमेंट की तैयारी कीजिए दोस्तों, ठीक है। मैं प्राइवेट को रेफर नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट में आप जॉब नहीं करें, ठीक है। कोचिंग वगैरह कीजिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, सेल्फ स्टडी कीजिए, और आप कोशिश कीजिए कि परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर बने एम्स के अंदर या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जैसे ESIC है, जिपमर है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहाँ पर आप जाने की कोशिश करें। साथ साथ में सीएचओ का भी तैयारी करें, एक बार कहीं पर भी कोशिश करें कि एक बार आपकी जॉब लग जाए, उसके बाद जो है आप बेहतर जगह जा सकते हैं दोस्तों। तो ये सीएचओ और नर्सिंग ऑफिसर का कंपैरिजन था दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जो भी कन्फ्यूज रहते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर बनूँ या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो, शेयर विद फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।